मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउर रहमान की कराची में डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती तैनाती से सियासी हलचल, हकूमती और इत्तेहादी जमातों ने फैसले की मुखालफत कर दी। सिंध हुकूमत ने जियाउर रहमान को फरहान वनी की जगह डीसी सेंट्रल तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जियाउर रहमान का ताल्लुक प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस खैबर पख्तूनख्वा से है। जियाउर रहमान की खिदमात सिंध हुकूमत के हवाले की गई थी और उन्हें ताहुकुम सानी डिप्टी कमिश्नर वस्ती तैनात किया गया है। साबिक डीसी सेंट्रल फरहान वनी का तबादला करके एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात कर दिया गया। दूसरी जाने वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने फैसले की शदीद मुखालफत करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के भाई बगैर टेस्ट और मेरिट भर्ती हुए। पता नहीं किस कानून के तहत फजलुर रहमान के भाई को सिविल सर्विसेज में लाया गया। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ को चोर और डाकू कहकर पुकारते रहे, लेकिन कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप लेकर नवाज हुकूमत का हिस्सा बन गए। वजीर आजम इमरान खान असेंबली को बगैर डीजल के चला रहे हैं।